रोड नहीं तो वोट नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां एक तरफ जहां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं वोटर्स भी अपने मुद्दे को लेकर नेताओं पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा कानपुर में, जहां कल्याणपुर विधानसभा के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इलाके की जनता गंदगी और टूटी सड़कों को लेकर काफ़ी नाराज हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कल्याणपुर विधायिका नीलमा कटियार के जरिए जनता की समस्या की कोई सुध नहीं ली गई है। यही वजह है कि गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि अगर उनकी समस्याओं को हल नहीं किया गया तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम लोग अम्बेडकरपुरम सेक्टर ए कल्याणपुर विधानसभा के निवासी हैं। पिछले 10-12 साल से हम सब लोग यहाँ रहते आए हैं, लेकिन आज तक किसी भी रोड का निर्माण नहीं हुआ, किसी भी प्रकार के कूड़े का निस्तारण नहीं किया गया है। जगह जगह गंदगी व्याप्त है, बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, बड़ी छोटी छोटी हर तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, चोरी चमारी हो रही है और हम सब नागरिक बुरी तरह से त्रस्त हैं। इस समस्या को लेकर हम अपने क्षेत्रीय सभासद के पास भी जा चुके हैं, अपने क्षेत्रीय सभासद संजय यादव जी के पास भी जा चुके हैं, अपनी विधायिका श्रीमती नीलमा कटियार के पास भी जा चुके हैं, नगर निगम में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने ट्विटर पर व्हाट्सएप पर भी प्रयास किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं और हम सारे मोहल्ले वालों ने त्रस्त होकर के ये निर्णय लिया है कि हम लोग इस बार या आने वाले समय तक अब हम मतदान नहीं करेंगे। जाहिर है कि चुनावी मौसम में एक तरफ जहां नेता जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनता की ऐसी नाराजगी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में कल्याणपुर इलाके के लोगों की सुध वक्त रहते ली जाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कानपुर से दिल से यूपी चैनल के लिए जय चौधरी की रिपोर्ट। रोड नहीं तो वोट नहीं।